तीन विभागों की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ाया सैकड़ों क्विंटल अवैध खाद्यान्न। बड़वानी SDM घनश्याम धनगर के नेतृत्व में तीन विभागों की संयुक्त टीम ने सिलावत में कार्रवाई करते हुए सैकड़ों क्विंटल अवैध खाद्यान्न जब्त किया है। सिलावत क्षेत्र के भ्रमण के दौरान SDM को तीन वाहनों में खाद्यान्न भरा दिखा, जिसके बाद शंका होने पर उन्होंने वाहन की चेकिंग की तो उसमें मूंग, गेहूं और राशन दुकान के चावल भरे मिले। उक्त खाद्यान्न का बिना मंडी अनुज्ञा के परिवहन किया जा रहा था। SDM ने सिलावत के नदी पार में तीन व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर वहां भी खाद्यान्न की जांच की। इस दौरान दुकानों सहित व्यवसायियों के गोदामों में भी भारी मात्रा में खाद्यान्न भरा मिला। SDM के अनुसार जांच पड़ताल में करीब 350 क्विंटल गेहूं, 80 क्विंटल मूंग और 40 से 45 क्विंटल चावल मिले हैं। उक्त खाद्यान्न की टीम द्वारा जांच की जा रही है कि ये माल कहां से आया है। SDM का कहना है कि क्षेत्र में चावल की खेती नहीं होती, ऐसे में यह चावल दुकानों पर कहां से आया इसकी भी जांच की जा रही है। यदि जांच में उक्त राशन सामग्री PDS की पाई जाती है तो दोषियों पर FIR भी की जाएगी। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, पांसेमल। सिलावत क्षेत्र में भ्रमण के दौरान तीन वाहन जो जा रहे थे, इनको जब आकस्मिक रूप से चेक किया गया तो बिना अनुज्ञा के ये खाद्यान्न का परिवहन कर रहे थे। जब इसकी जांच की गई तो उसमें जो गेहूं और चावल थे वो संदिग्ध लगे। जब इसकी और जांच की गई और कहां से इसको भरा है, दुकानों की चेक की जब जांच की गई तो उसमें सारे जो खाद्यान्न है कहां से आया ये संदिग्ध प्रतीत हुआ, तो इसको लेके जांच की जा रही है। इसमें मंडी की टीम, खाद्यान्न की टीम और रिवेन्यू की टीम जांच कर रही है कि ये जो राशन है ये PDS दुकानों का है या कहीं बाहर से ख़रीदा हुआ है और किन किसानों से ख़रीदा हुआ है, इसकी भी जांच की जा रही है। और इसमें 40 क्विंटल से अधिक चावल भी जब्त किया हुआ है, तो इसकी भी जांच की जा रही है कि चावल कहाँ से ख़रीदा है और चावल यहाँ आया कहाँ से है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में चावल का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए इसकी पूरी जांच की जा रही है। यदि जांच में पाया जाता है कि ये PDS का है तो इसमें FIR की जाएगी और जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, हम राशन की बात करें, टोटल राशन कितना है इसमें? लगभग 350 क्विंटल गेहूँ है, 80 क्विंटल के लगभग मूँग है और 40-45 क्विंटल चावल है। सर, जब्त क्या है इसमें? तीन वाहनों को जब्त करके कस्टडी में लिया हुआ है, साथ ही जो दुकान है जहाँ गोडाउन जहाँ राशन रखा हुआ है उसकी भी जांच की जा रही है, उसको भी सील करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट